अगर आपका मन कुछ मीठा, कुछ चटपटा और कुछ खट्टा सा खाने का कर रहा है ना, तो ये आम की लौंजी आपके लिए परफेक्ट रहेगी। तो चलिए इसे फटाफट से बनाते हैं। तो सबसे पहले ले लेने हैं हमें कच्चे वाले आम। अब इन्हें एक एक करके अच्छे से पील कर लेंगे। ऐसे ही सारे आम को मैं अच्छे से पील कर लेना है। अब आम पील हो चुके हैं तो इन्हें कट कर लेंगे। ऐसे ही सारे आमों को हमें अच्छे से कट कर लेना है। अब इन आमों को हमें बारीक बारीक पतला पतला कट कर लेना है। अब सारे आम अच्छे से कट हो चुके हैं तो इन्हें रख लेंगे हम साइड में और एक पैन में थोड़ा सा ऑयल गर्म करेंगे। अब थोड़ी सी हींग डाल देंगे, साथ में डाल देंगे थोड़ी सी कलौंजी यानी कि अनियन सीड, थोड़ा सा डाल देंगे जीरा, साथ में थोड़ा सा डाल देंगे हम सौंफ, थोड़ी सी डाल देंगे मेथी और इन्हें अच्छे से भून लेंगे। अभी अच्छे से भून चुके हैं, इसमें आम को ऐड कर देंगे। और आमों को अच्छे से 2 मिनट तक अच्छे से भून लेंगे, जब तक ये थोड़े से सॉफ्ट ना हो जाए। अब ये थोड़े थोड़े सॉफ्ट हो चुके हैं। तो अब मैं इसमें और भी मसाले ऐड कर देंगे, जैसे लाल मिर्च पाउडर लगभग आधा चम्मच, आधा चम्मच इसमें हम नमक ऐड कर देंगे और अच्छे से इसे मिक्स कर लेंगे। अब इसमें थोड़ा पानी ऐड कर देंगे। और साथ में ऐड कर देंगे थोड़ी सी गुड़। अब इसे ढक कर के अच्छे से पकने के लिए छोड़ देंगे लगभग 2 से 4 मिनट तक। जब तक गुड़ की चाशनी ना बन जाए। अब ढक्कन खोल लेंगे और गुड़ की अच्छी खासी चाशनी टाइप बन चुकी है और हमारे आम भी अच्छे से अब पक चुके हैं। तो अब गैस की फ्लेम बंद कर देंगे और बनकर रेडी है हमारी आम की लौंजी। तो इसे अपने घर पे जरूर ट्राई करें और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को कर दीजिएगा लाइक, चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर हिट करें और कमेंट करके मुझे जरूर बताएं कि यह रेसिपी आपको कैसी लगी। थैंक यू।